हेलो फ्रेंड, आज आप तुम सवेर की रूटीन दिखा रहे हैं। तो आखो किचन के सारे हले काम साढ़े करने वाले पे ने, भांडे वगैरह सब मांजने हले। तो इधर फ्रेंड हूँ आप झाड़ू काढ़ लाँगे। पहला सब तो पहला झाड़ू कढ़ा, झाड़ू कढ़न तो बाद फिर आप किचन साफ कर लाँगे। बाकी के जिन्हें भी सारे काम ने सारे नबेड़ लाँगे आप। हूँ आप झाड़ू काढ़ लिया सारा अंदरों कमरे के बच्चों। इस तरह आप सारा पहला झाड़ू काढ़ लें, पौड़ियों से भी काढ़ लाँगे। तो झाड़ू कढ़न तो बाद फिर आप हूँ पोचा पुचा ला लाँगे, तो नाल ही किचन साफ कर लाँगे। आ फ्रेंड हूँ आप अंदरों सारा झाड़ू काढ़ लिया, तो हूँ मैं पौड़ियों के भी सारा झाड़ू काढ़ लाँगी। धूल मिट्टी पौड़ियों के भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, पौड़ियों से भी सारा झाड़ू मैं इस तरह काढ़ लाँगी। उस तो बाद फिर आप पोचा लगाना शुरू करांगे। आ वेखो फ्रेंड हूँ आप सारी किचन की सफाई कर ली है, भांडे भूडे आप सारे मांज के गैस गूस चंगी तरह साफ कर लिया होया। हूँ फ्रेंड आप दोपहर के सारे सवेर के आप सारे काम नबेड़ लिया ने, किचन भी साफ हो गया, साफ सफाई भी हो गई अपनी, सारा कुछ हो गया। तो हूँ सारा काम कुम करके मैं चाह बनाई है। पहला मैं चाह पीवगी, तो चाह के नाल नाल ही फिर मैं घीया वगैरह कट के रख लिया से दोपहर के आप लंच की तैयारी नाल ही कर लाँगे। घीया कट के पानी के पा के रख लिया। यह दाल मैं 2 घंटे पहले भिओ के रख ली छोले की दाल, तो मैं हरी मिर्च कट ली। दाल में चंगी तरह धो के आप साफ कर लिया। अंदर कुकर से पानी रखता गर्म होने, पानी अपना उबलन लग गया। हम आप दाल पाएंगे छोले की दाल तो घीए की सब्जी बनावे। अज आप मैं दाल में भिओ के रख ली हूँ, जो तुम चाहो तो उस टाइम भी पा सकते हो दाल। घीया मैं इस हिसाब से कट लिया मोटा मोटा ही, कईयों थोड़ा बरीक पसंद होता, कई थोड़ा जहा घोट लेंगे ने बाद चो दाल में। फिर नाल ही आप घीया पा देंगे। आप थोड़ा जहा लून पा देंगे, थोड़ी जी हल्दी पा देंगे, थोड़ी जी फर पा देंगे, लाल मिर्च बहुत घट, बाकी आप तड़के वेले पावे। बस हम मैं कुकर बंद करके रख देंगे ढक्कन ला के। इन आप 4-5 सीटियां बजा के फिर आप खोल के एक बार चेक कर लाँगे। आखो फ्रेंड दाल आप हूँ सीटियां लवा लिया ने, तो थोड़ी देर मैं मिठे सेके तो रख लिया ही, चेक कर ली सी विचों थोड़ी होर लोड़ सी मिठे सेके तो रख ली। आप हूँ थोड़ी भाप से इधर आप तेल रख लिया गर्म, उन्होंने तेल अपना गर्म हो चुका है। अदरक आज मेरे को थोड़ा हार्ड वाला सी, मैं पहला पाता मोटा मोटा कट के, थोड़ा फ्लेवर आ जूगा तेल दे विच। हूँ आप थोड़ा जहा सुक्का धनिया पा दें, थोड़ा जहा जीरा पा दें, नाल ही राई पा दाँगी मैं। इन्हों थोड़ा जहा भुन लें मसाले नू, ते नाल ही फिर आप हरी मिर्च ते लसन दा आप मोटा मोटा कुट के रख लिया, इनू पा देंगे आप। वेखो फ्रेंड लसन ते हरी मिर्च आप पा के इनू भी चंगी तरह भुन लिया, ते हुण आप हिंग पा दें, मिक्स कर लें। इधर आप प्याज कट के रखे हुए से धो के प्याजा भी ना ही पा देंगे। भुन लें प्याजा भी थोड़ी देर। प्याज फ्रेंड अपने भुन हो गए ने, हम आप टमाटर पा देंगे नाल ही। आप लून मिर्च पा देंगे, लून पा लेंगे, लून आप घट ही पाया क्योंकि पहले आप दाल भी पाया। लाल मिर्च, गरम मसाला चंगी तरह टमाटर भी पका लें, थोड़ा जहा पानी पा देंगे। हम 2-3 मिनट लिए मैं ढक के रख लें, टमाटर चंगी तरह पका लेनी है। गैस में कट कर देंगे। पहले आप दाल चेक करते हैं अपनी, दाल की अपने बन चुके हैं, दाल
ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਈ, ਤੜਕੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बस फ्रेंड हुण इहनूं एक दो आपां उबाले ते ला लांगे चंगी तरह कि अपनी दाल चंगी तरह तड़के दे विच मिक्स हो जावे, ते उस तों बाद फिर इहदी प्लेटिंग करांगे। ਵੇਖੋ ਫਰੈਂਡ ਦਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਰੈਂਡ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਫਰੈਂਡ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਚਾਹ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਆ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਲਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਰੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾਲ ਘੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਘੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਲ ਘੀਆ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।